हेलो एवरीवन, तो क्या आप भी फेस कर रहे हैं वेट गेनिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको? तो आप एक बार ये मुश लीफ का ट्राई करके देखते हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वेट गेनिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने ये मुश लीफ का वेट गेनिंग बूस्टर मंगाया है। इसमें अगर आप वेट लॉस का भी ढूंढ रहे हो तो वेट लॉस की भी एंकी, बट मैं फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। तो मैं 15 डेज़ का बिफोर एंड आफ्टर अपलोड करने वाली हूँ। बिफोर मैं आपको अभी दिखा दूँगी कि कितना वेट है मेरा, ठीक है? तो हमने इसे फर्स्ट, तो आज हमें ये रिसीव हुआ है आफ्टर 7 डेज़। इसमें इसको लिखा है कि इसको लेना कैसे, आप पानी से भी ले सकते हैं, साथ के साथ दूध से भी ले सकते हैं। क्वांटिटी है इसकी 100 ग्राम्स और ये फुल आयुर्वेदिक फॉर्मूले से इसको बनाया गया है। और ये मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? तो बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो नो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके जैसे ये क्लेम कर रहे हैं। और इसमें इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो मशरूम, अश्वगंधा और मूसली, और इसमें अंदर ज़ीरा, अजवाइन, काला नमक और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स भी यहाँ पे मेंशन है, पुदीना वगैरह, लौंग, बड़ी इलायची, और ये सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अब इसको टेस्ट वगैरह भी करके देखेंगे, और उससे पहले हम अपना वेट करके देखेंगे कि हमारा वेट अभी कितना है। आफ्टर 15 डेज़ के बाद मैं इसका एक और रिव्यू अपलोड करूँगी कि इसका रिजल्ट्स मुझे कैसे मिले 15 डेज़ के बाद, ठीक है? तो अब इसको देखते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो ये इस टाइप के पाउडर फॉर्म में है। इसको एक चम्मच लेना है, इसके साथ कोई स्कूप वगैरह, कोई स्पून वगैरह साथ में नहीं आया है। बात करें इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस मुझे 750 के आसपास का पड़ा आफ्टर डिस्काउंट। तो इसमें ऑनलाइन पेमेंट में कूपन था। और ठीक है, अब हम इसको एक बार वेट करके देखते हैं कि हमारा वेट कितना आ रहा है। काफ़ी लोगों ने कहा था कि इससे वेट गेन होता है, तो मैंने काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ के बाद इसको बाय करा है। इसमें अश्वगंधा, सौंफ वगैरह और भी काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड हैं। तो मैंने अपना वेट किया तो मेरा वेट आ रहा है 50.80। तो आइए इस रेमेडी को साथ में मिलकर बनाते हैं। तो हमने ले लिया था 1 ग्लास में पानी, 200 ml हमें पानी चाहिए, और इसमें हमने 1 चम्मच इसको ऐड करना है। आपने इसको 2 बार लेना है दिन में, खाने से आधे घंटे के बाद और डिनर के आधे घंटे के बाद। तो फर्स्ट हमने इसमें डाल दिया था टेस्ट, मैंने इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है आपको एक दो मिनट तक, और उसके बाद इसको आप कंज्यूम कर सकते हो 25 से 30 मिनट तक के बीच बीच में आपको इसको कंज्यूम कर लेना है, ठीक है? तो इसकी टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट थोड़ा सिंपल सा था, ना ज़्यादा मतलब बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं था, टेस्टलेस था, थोड़ा मिट्टी मिट्टी टाइप का सा टेस्ट आ रहा था। तो मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग ही कर लेनी है, ठीक है? तो अब देखते हैं कितने दिन चलता है और इसका रिजल्ट्स क्या मिलता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।